हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं धार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल प्रिपरेशन। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको कोल सैंपलिंग का एक वीडियो भी अपलोड कर चुका है। ठीक है, अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कोई पावर प्लांट या भी कोल से रिलेटेड, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना बहुत कंपलसरी है। ये आपको इंटरव्यू में कहीं भी या फिर आजकल एग्जाम में आ रहा है, तो इसमें यूज होने वाले कई ऐसे चीज़ हैं जो आपको आगे काम आएगा। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कोल प्रिपरेशन। ठीक है, हमने आपको कोल सैंपलिंग में सब कुछ बता दिया है कि सैंपल कैसे करते हैं। ठीक है, कोल सैंपलिंग हो या कोई भी सैंपलिंग हो, ठीक है, आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, फिर उसका टेस्ट करेंगे। ठीक वैसे ही हम सबसे पहले कोल कलेक्ट कर चुके हैं, अब कोल को प्रिपेयर कैसे करते हैं ये बताते हैं। ठीक है, तो कोल प्रिपेयर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उसमें मेथड से करते हैं, ये सब आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम सैंपल कैसे किए थे। ठीक है, सैंपल हम कहाँ कहाँ से किए थे, टाइप्स ऑफ सैंपल। सैंपल चार तरीके से किए थे, क्या किए थे, रेक के किए थे, बेल्ट, साइलो और ट्रक, ये चारों का हमने सैंपलिंग किए थे। ठीक है, अब इसको हम लोग बारी बारी से प्रिपेयर अलग अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, रेक का अलग करेंगे, बेल्ट का अलग करेंगे, साइलो का अलग और ट्रक का अलग करेंगे। ठीक है, जैसे कलेक्ट अलग अलग किए हैं वैसे ही सैंपल का प्रिपेयर भी अलग अलग होगा। ठीक है, इसीलिए मैं सबसे पहले क्या लिख दिया, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग हो गया। अब रेक का देखते हैं, रेक में क्या सबसे पहले मैं बताया था, रेक का है ना, रेक का एक 60 वीगन का क्या रहता है हमारे पास, 60 वीगन या 60 डिब्बे का एक रेक होता है। उसमें अपन कितने सैंपल कलेक्ट किए थे, 6 सैंपल। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसका सैंपलिंग प्रोसेस बता देता हूँ, फिर इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं ये बताऊंगा, क्योंकि शुरू से बताऊंगा तो फिर बीच से बता दूंगा समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा स्टार्ट से करते हैं। रेक का कलेक्शन में मैं बताया था, रेक का कलेक्शन मतलब रेक, एक रेक किसको बोलते हैं, 60 वीगन बराबर होता है हमारा एक रेक। ठीक है, एक रेक में हमने 6 सबलाट बनाए थे, 6 सबलाट में एक एक सबलाट में एक एक सैंपल लिए थे, तो हमारे पास कितना सैंपल हो गया, 6 सैंपल। और हर एक सैंपल का वजन कितना था, 50 से 60 केजी अप्रॉक्स। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 60 केजी का 6 6। ठीक है, और 60 केजी का कितना हो जाएगा, 6 करोगे तो ये 360 केजी हमारे पास एक रेक का सैंपल आ गया। अब इस 360 केजी को हमको अब प्रिपेयर करना है, तो कैसे प्रिपेयर करना है ये आपको बताते हैं। ठीक है, हमारे पास 6 सैंपल है। ठीक है, 6 सैंपल है, 6 सैंपल बराबर कितना केजी बता दिए हम आपको, अप्रॉक्स 360 केजी। ठीक है, 360 केजी। अब इसका साइज रहता है, साइज का कुछ इशू रहता है। देखो अपन सैंपल किसका कलेक्ट करते हैं, -100 mm और -200 mm। ठीक है, तो मान लो हमारा सैंपल कितने का है, -100 mm का है। ठीक है, ये अभी जो 360 केजी लिए हैं वो हमारा -100 mm का है। ठीक है, इसको क्रस्ट करना है, आप कैसे प्रिपेयर करना है आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक जाली होता है, जाली या छन्नी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका साइज क्या होता है हमारा, 50 mm का। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं माइनस यूज किया हूँ, माइनस मतलब क्या होता है, जैसे कि 50 mm है। ठीक है, 50 mm में अगर कोयला को हम लोग पास कराते हैं जाली से, तो जो -50 mm रहेगा वो पास हो जाएगा, क्योंकि ये 50 mm का क्या है, जाली है। 50 mm में 50 mm को डालेंगे तो पास नहीं होगा, मतलब जो पास होगा वो 50 mm से बड़ा ही होगा, जो 50 mm से थोड़ा सा छोटा रहेगा वो इस जाली से पार हो जाएगा। ठीक है, तो अपन 360 केजी को इस जाली से पास कर रहा है। ठीक है, 360 केजी को पास कर रहा है, तो जो मतलब क्या रहेगा, -50 mm से बड़ा रहेगा, वो ऊपर रुक जाएगा। ठीक है, जैसे बड़ा पत्थर है ये, इतना साइज में देख लो तो रुक जाएगा। ठीक है, इसका कोल का जो सैंपल है वो रुक जाएगा। ठीक है, और जो रहेगा छोटा साइज वो पार हो जाएगा। तो हमारा मान लो हमारे पास इतना सारा क्या हो गया, अंदर हो गया। ठीक है, अब जो बचा, उसको क्या करेंगे, हमारे पास 50 mm का, ठीक
ठीक है, 50 mm का जावा क्रशर होता है। क्रशर गांव में आपने देखा होगा, जैसे कि आटा पिसाने के लिए एक चक्की ले जाते हैं, वो मशीन रहता है, या फिर धान कुटवाने के लिए क्या रहता है, मशीन रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें जावा क्रशर बोलते हैं, जाव क्रशर। ठीक है, जाव क्रशर रहता है जो हमारा बड़ा साइज है, ठीक है, 50 mm से बड़ा साइज है, उसको -50 mm में तक के ये साइज को करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, -50 mm जितना बड़ा था उसको हमने जावा क्रशर में, ठीक है, जावा क्रशर का एक हम आपको फोटो दिखा देंगे, समझ आ जाएगा जावा क्रशर कैसा होता है। ठीक है, इसमें डाल दिए, क्या सैंपल डाल दिए, और यहाँ से मिक्स होके क्या हो जाएगा, ये यहाँ मशीन लगा हुआ है, यहाँ -50 mm बाहर आ जाता है, से बड़ा बड़ा है, -100 है, -200 है, उसको हम लोग क्रश करके -50 mm तक के ले आए, और ये हमारा फिर से कितना हो गया, 360। ठीक है, इसका साइज अभी हमको इक्वल नहीं था, बट इसका साइज हमारा अब इक्वल हो गया। इसका साइज क्या है हमारे पास, -50 mm, वो भी कितना है, 360 kg। ठीक है, अभी पूरा हम सैम्पलिंग देख रहे हैं, सेम प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसका, एक रेक का, जो कलेक्शन करके हम लोग प्रिपेयर, मतलब सैम्पलिंग कर चुके हैं, सैम्पलिंग करने के बाद उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या किए, सबसे पहले 6 सिंपल था, 6 सिंपल का वेट कितना है, तो 360 kg। ठीक है, उसको हम लोग 50 mm का, ठीक है, 50 बाई 50 का हमारे पास एक जाली होता है। ठीक है, अब जाली उसको भी मैं बता दूंगा फोटो के जरिए, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, जाली में वो पार करते हैं, जो 50 mm से छोटा है वो नीचे चला गया, जो 50 mm से बड़ा है वो ऊपर रह गया, ऊपर को हम लोग इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद 50 mm का, ठीक है, 50 mm का हमारे पास वो जावा क्रशर होता है जिसको हम लोग कूटते हैं। ठीक है, वो छोटा छोटा करते हैं, चूरा करते हैं, अब ये हो गया हमारे पास चूरा हुआ, जितना हुआ उसको इसमें मिला देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास हो गया 360 kg का -50 mm। ठीक है, ये पूरा कोल है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली मिक्स 2 या 3 बार, ठीक है, इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे 2 या 3 बार। ठीक है, प्रॉपरली मिक्स करेंगे 2 या 3 बार। अब एक हमारे पास एक चतुर्भुज नुमा, ठीक है, ये चतुर्भुज बोलता हूँ, सॉरी, प्लस कचिन, ठीक है, प्लस कचिन रहता है, इसको हम लोग इसमें डाल देंगे, डालेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, 4 हिस्सा में हो गया। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, और ये 4। ठीक है, ये हमारे पास 4 भाग में डिवाइड हो गया, ये कितना केजी है, तो अभी हमारे पास 360 kg, और 360 kg को 4 भाग में डिवाइड करोगे तो हर भाग का 90 90 kg आता है। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, वीडियो को 2 बार देखेंगे तो प्रॉपरली समझ आएगा। ठीक है, एक बार और मैं रिवीजन करा दूंगा तो और एकदम आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, 360 kg का सिंपल था हमारे पास, उसको हम लोग 50 mm का जाली में उसको पास कराए, पास कराने के बाद जो पास हो गया वो ठीक, नहीं हुआ तो उसको हम लोग जावा क्रशर में क्रश करके इसमें मिला दिए। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल उतना ही आ गया, लेकिन क्या है, साइज इसका -50 mm हो गया। ठीक है, सबका साइज इक्वल हो गया। अब देखो हमारे पास ये 3 बार प्रॉपरली इसको मिक्स कर रहे हैं ना, 2 या 3 बार प्रॉपरली मिक्स करने के बाद, देखो ये पार्ट 1 दिख रहा है, इसमें से 2 या 5 kg टीएम निकालना है, 2 से 5 kg टीएम टोटल मॉइस्चर के लिए अपन को यहाँ से सैंपल लेना है। ठीक है, अब बच गया जितना भाग यहाँ से, ठीक है, उसको रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, तो 360 में अगर हम लोग 90 kg, मतलब एक पार्ट, हर पार्ट 90 90 kg का है, अगर एक पार्ट को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 270 kg। ठीक है, अभी हमारे पास कितना बच गया, 270 kg, ये हमारे पास ये पूरा क्या हो गया, हमारे पास गायब हो गया। ठीक है, हमारे पास केवल 3 पार्ट बच गया। ठीक है, अब इसको फिर से हम लोग प्रॉपरली मिक्स किए हैं, 2 से 3 बार फिर प्रॉपरली मिक्स कर दिए, तो अब जो बचा, ठीक है, अब उसको फिर से हम लोग ये घन वाले में डाल दिए, 1 2 और 3, ये 4 हो गया। ठीक है, ये हमारा सिंपल कितना है, अभी साइज वही है -50 mm, लेकिन अभी क्वांटिटी हमारे पास कितना हो गया, 360 से 270 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 270 kg है। अच्छा, 1 2 3 4 फिर रहेगा, इसमें जो चिन्ह रहता है उसमें दबा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 2 3 4 में इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो अब पहले इसको काट चुके हैं हम लोग, तो अब दूसरे में इसको काटेंगे। याद रखना, सम सम जैसे 2 और 4 कटेगा, 1 और 3 कटेगा। ठीक है,
तो इसको दो से तीन बार प्रॉपरली मिक्स करने के बाद इसको 2 और 4 को रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। 2 और 4 को हम लोग रिजेक्ट कर दिए, तो रिजेक्ट करने के बाद कितना हो गया, 270 में 50% को हटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 135 kg, ठीक है। हमारे पास अब ये भी नहीं है, ठीक है, केवल हमारे पास 2 पार्ट बचा। 2 पार्ट का वजन कितना है हमारे पास, 135 kg सिंपल हमारे पास अब बच गया है, ठीक है। जो रिजेक्ट हो गया उसको भूल जाओ, वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हमारे काम का केवल कितना है अब, 135 kg। यहाँ से बता देता हूँ आपको, हमारे पास कितना बच गया, 135 kg, ठीक है। 135 kg को फिर से हम लोग प्रॉपरली मिक्स किए हैं। प्रॉपरली मिक्स करने के बाद उसको फिर से हम लोग एक उसमें चतुर्भुज में घन प्लस के आकार में वो रहता है एक काटने के लिए, उसको काट दिए, ठीक है। ये हमारे पास एक ऐसा बहुत बड़ा सा रहता है, ये पकड़ने का रहता है, उसको अगर सिंपल में डाल दोगे तो 4 भाग में आप डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर से हो गया 1 2 3 4, ठीक है। प्रॉपरली मिक्स किए हैं, इस सिंपल का वजन कितना है हमारे पास, 135 kg, ठीक है। 135 kg अभी बचा है, और हम लोग इससे पहले कितना को काटे थे, 2 4 को काटे थे, तो अब 1 और 3 को काटेंगे, ठीक है। 1 और 3 को काटेंगे और हमारे पास सिंपल अप्रॉक्स अब कितना बच जाएगा, 67.5, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली है, क्योंकि किसी का हम लोग वेट नहीं किए हैं, ये अनुमानित लगा लगा के सब किए हैं, क्योंकि हमारे पास जो 360 kg सिंपल लिए हैं वो हमारे पास अप्रॉक्स ही रहता है, इसलिए सबको अप्रॉक्स ही लेना है, ठीक है। अभी हमारे पास कितना बच गया, 67.5, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास बच गया, इसको हम लोग 2 से 3 बार इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 सिंपल बचा है, 2 और 4 का, इसका वजन कितना है, 67.5, इसको 2 से 3 बार मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद अब ये कितना इसका साइज बताए हैं, अभी तक इसका साइज है -50 mm, ठीक है। -50 mm से अब इसको हम लोग -12.5 जाओ क्रशर में इसको क्रश करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा जितना सिंपल था, जितना बचा है कितना बच गया, अप्रॉक्स 60 से 67 बच गया है बोलते हैं, ठीक है। 60 से 67 को हम लोग 12.5 के जाओ क्रशर में, जाओ क्रशर में इसको क्रश कर दिए। क्रश करने के बाद 2 से 3 बार फिर इसको मिक्स किए हैं, ठीक है। 67.5 बचा है जो, ठीक है, 2 से 3 बार इसको मिक्स किए हैं। 2 से 3 बार मिक्स करने के बाद इस बार इसको रिड्यूस नहीं करना है, इसको 3.3 mm फिर से जाओ क्रशर में, -3.3 mm जाओ क्रशर में इसको फिर से क्रश करना है, ठीक है। इसको और 12.5 था साइज, 12.5 से अब इसको 3.3 में कर दिए, ठीक है। कितना हम कितना केजी कर दिए हैं, 67.5 है, इसको रिड्यूस नहीं किए हैं। ये हमारे पास क्या हो गया अब, 3.3 mm का, ठीक है। हमारे पास कितना बच गया, 60 से 67 kg हमारे पास सिंपल बचा है, अब उसको अपन को रिड्यूस करना है, ठीक है। थ्री पॉइंट थ्री एम एम 3.35 mm का हमारे पास कितना केजी बच गया है हमारे पास, तो हमारे पास बच गया है 60 से 67 kg बच गया है, ठीक है। इसको फिर से हम लोग 2 से 3 टाइम क्या किए हैं, प्रॉपरली मिक्स किए हैं, फिर इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिए, ठीक है। 4 भाग में डिवाइड किए, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा हो गया, ठीक है। फिर से इसको अगर इससे पहले हम लोग क्या काटे थे, 1 और 3 काटे थे, याद रखना है इसको, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर इसको काट देंगे ऐसे काटते काटते, इस बार इसको काटना है, इस बार इसको काटना है, ये रिड्यूस करते करते हम इस सैंपल को हमको लाना है अप्रॉक्स 2 kg, ठीक है। ये 3.35 का हमारे पास अब कितना बच गया, तो काटते काटते हमारे पास बच गया 2 kg, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कितना बच गया, 2 kg। हमने स्टार्टिंग में कितना लिया था, तो 360 लिए थे, 360 उसका साइज क्या था, तो उसका साइज था 50 mm, ठीक है, -50 mm। अब हमारे पास अभी अब 3.35 आते आते कितना बच गया, 62 67, ठीक है। इसको कितना लाना है, 2 kg तक लाना है, ठीक है। आराम से सुनते रहिए, सब समझ आएगा, क्योंकि एक बार में आपको लगेगा ऊपर से जा रहा है करके। अभी हमारे पास चार्ट तो है, 4 बार से समझाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2 kg का, 3.3 mm, छोटा सा होता है, एकदम छोटा दाना टाइप होता है। अब इस 2 kg को हमको करना है 212 माइक्रोन, ठीक है,
212 माइक्रोन करना है। 212 माइक्रोन मतलब बहुत महीन सा पाउडर जैसा होता है, ठीक है, 212 माइक्रोन इसको बोलते हैं। ये हो गया 212 माइक्रोन। 212 माइक्रोन को फिर से हमको क्या करना है, ये 12 माइक्रोन हमारे पास पाउडर तैयार हो गया, ठीक है। 212 माइक्रोन को हम लोग पल्वराइज करते हैं। पल्वराइज इसको, इसका जो रिड्यूस करने का, क्रश करने का रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पल्वराइजर। देखो आप कहीं भी जाएंगे, आपको अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको ये मशीन का नाम पूछेंगे, जैसे कि जाओ क्रशर कितना एमएम का होता है, कितना साइज का होता है, पल्वराइजर किसको बोलते हैं, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से 3 टाइम मिक्स कर दिए 212 माइक्रोन, हमारे पास कितना है, अप्रॉक्स 2 kg है, ठीक है, 2 kg है। हम इसको फिर से 1 2 3 4 इसको रिजेक्ट नहीं करना है, इसको हम लोग को 2 से 3 बार मिला के 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करना है, वो कैसे करना है बता रहा हूँ। पहला पार्ट जाएगा सिंपर को, ठीक है। दूसरा पार्ट जाएगा ए सी सी एल या SECL या WCL, इसके 7 ब्रांच है, 7 ब्रांच में किसी भी को जा सकता है, ठीक है। और तीसरा होता है पावर को, जो कोयला खरीद रहा है, ये ऊपर दूसरा नंबर कोयला बेचता है, तीसरा नंबर कोयला खरीदता है, और ये पहला नंबर ये दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब ये इसका काम है प्रिपेयर करके देना दोनों को, ठीक है। और चौथा होता है रेफरी, ठीक है, रेफरी। रेफरी का मतलब क्या होता है, थर्ड एम्पायर, ऐसे में आप समझेंगे, ठीक है। सिंफर होता है एम्पायर और रेफरी होता है थर्ड एम्पायर, ठीक है। सिंफर ने बोल दिया, ये मतलब डिसाइड कर दिया ग्रेड 1 है तो 1 है, ठीक है। अगर पावर पार्टी को अगर बोलता है कि ये 1 नहीं है तो वो क्या करेगा, वो थर्ड एम्पायर, जैसे कि क्या बोल दिया, सिंफर आउट बोल दिया और ACCL बोल रहा है मैं आउट नहीं हूँ, तो किसका सहायता लेगा, थर्ड एम्पायर मतलब रेफरी का, ठीक है। अब रेफरी जो रिजल्ट देगा उसको दोनों को मानना पड़ेगा, इसलिए ये हमको बोलते हैं, इसको साधारण भाषा में क्या बोल सकते हैं, थर्ड एम्पायर, ठीक है। एक बार शुरू से इसको बता देता हूँ क्योंकि आप पूरा इसको मिक्स हो गया है, ठीक है, आराम से बताता हूँ, सब समझ आ जाएगा। रेक का सिंपल देखें हम सबसे पहले, ठीक है। रेक का सिंपल क्या देखे हैं, रेक का सिंपल को प्रिपेयर किए हैं। एक वेगन में होता है 60 वेगन, ठीक है। 60 वेगन में हम लोग कितना सब लॉट बनाए हैं, 6 सब लॉट। 6 सब लॉट में कितना सैंपल लिए हैं, तो 6 सैंपल, ठीक है। ये 6 सब लॉट हो गया, 60 वेगन, 6 सब लॉट, 6 हमारा सैंपल हो गया, ठीक है। अब हमारा सैंपल का वजन कितना है, हमारे पास 360 kg। 360 kg को हम लोग क्या किए हैं, 360 kg को आपस में खोले, जब खोले उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 50 mm का हमारे पास जाली होता है। जाली में सबको वो 6 सैंपल को, ठीक है, 6 सैंपल को अपन गुजारे हैं, ठीक है, 6 सैंपल को गुजारे हैं। जिसका साइज -50 mm, ठीक है, वो नीचे रह गया। जिसका साइज 50 mm से बड़ा है, ठीक है, वो ऊपर रह गया। उसको 50 mm के जाओ क्रशर में उसको क्या कर दिए, हम लोग क्रश कर दिए, और क्रश करने के बाद उसको -50 mm मिला दिए। तो हमारे पास कितना हो गया टोटल, -50 mm का कितना सैंपल हो गया, 360 सैंपल, 360 kg, ठीक है। अब इसको क्या किए हम लोग, यहाँ पे 360 हो गया, इसको प्रॉपरली 2 से 3 बार इसको मिक्स किए हैं। मिक्स करने के बाद, ठीक है, इसको 4 भाग में हम लोग डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4, अलग अलग नहीं हुआ है, अभी चारों एक साथ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक भाग को, पहला भाग को हम लोग डीएम निकाले हैं टोटल मॉइस्चर के लिए, ठीक है। टोटल मॉइस्चर का भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, और ये इसको पूरा रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये जो 3 भाग बचा है उसको फिर प्रॉपरली मिक्स करते हैं, और 2 और 4 को काट देते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपरली मिक्स करते हैं और 1 और 3 को काट देते हैं। ऐसे करते करते हमारे पास 60 से 67.5 kg हमारे पास सिंपल बचता है। उसको क्या करते हैं हम लोग, 12.5 के, ठीक है, 12.5 के जाओ क्रशर, उसका साइज है 12.5, ठीक है, 12.5 mm जाओ क्रशर में हमको क्रश कर देते हैं। क्रश करने के बाद कुछ नहीं करते, 2 से 3 बार फिर मिलाते हैं। फिर इसको क्या कर देते हैं हम लोग, 3.3 mm जाओ क्रशर में इसको फिर से क्रश करते हैं। और क्रश करने के बाद, ठीक है, 3.35 से हम लोग को क्या करना है, काट के 2 kg तक लाना है, और इस 2 kg को पल्वराइज करते हैं पल्वराइजर के माध्यम से, और इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेफरी, सिंपर, पावर, ACCL, ठीक है, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा हो गया क्या चीज, रेक का, ठीक है। अब बताते हैं आपको बेल्ट का।
ठीक है, बेल्ट का प्रिपरेशन चारों का बताता हूँ, चारों का सैंपलिंग की है तो चारों का प्रिपरेशन भी बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको प्लीज नेग्लेक्ट ना करिए, क्योंकि आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं यही प्रोसेस आपसे पूछा जाएगा, इसी में क्वेश्चन आता है। आप वीडियो को देखिए और कहीं भी आप इंटरव्यू में बैठिए, आपको सब समझ आ जाएगा कि वीडियो कहाँ, क्वेश्चन कहाँ से होता है। अगर आपने वीडियो सही से देखा रहेगा, सही से दो बार अगर आपने देख लिया, या वीडियो को पूरा भी देख लेंगे, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को निगलेक्ट ना करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या होता है, बेल्ट का। बेल्ट का हमने पहले भी बता दिया है सैम्पलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। एक बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है ऐसे, ठीक है। बेल्ट बेल्ट को मैं एक पाइप के माध्यम से बता देता हूँ। एक हम लोग को अगर या पाइप के द्वारा हम लोग खेतों में पानी डालते हैं, ठीक है, तो एक ही जगह नहीं डालते, क्योंकि एक जगह डालेंगे तो पूरा वहीं हो जाएगा, लास्ट तक पहुँच ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, ठीक है, हमारे पास यहाँ कोयला है और यहाँ हमको पहुँचाना है, तो हमको क्या करना है, कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से जाते हैं, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट और रख देते हैं, उसके अंदर से हम ऊपर से कोयला जाता है, ठीक है, तो जाता है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 24 घंटा, ठीक है, हर एक घंटे में हम लोग क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, हर एक घंटे में सैंपल लेते हैं, तो हमारे पास 24 घंटे में कितना सैंपल होगा, उस हिसाब से 24 सैंपल, ठीक है। 24 घंटे में हमारे पास 24 सैंपल हो गया, इसका अप्रॉक्स केजी, ठीक है, 30 से हमारे पास होता है 60 केजी, ठीक है, 30 केजी है तो भी चलेगा, 60 केजी है तो भी चलेगा, तो ये हो गया हमारे पास 24 घंटा में 30 से 60 केजी, ठीक है। सेम वैसी करना है इसको, 60 केजी हो गया, मतलब जितना भी रहे 24 घंटा में, ठीक है, 24 घंटा में जितना भी सैंपल है उसको सबको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद क्या करना है, इसको 2 से 3 बार मिक्स करना है, बाकी प्रोसेस वही है, आपको सब समझ आते जाएगा। थोड़ा सा ये इसका चेंज होगा, इसमें केजी एकदम फिक्स नहीं है, क्योंकि देखो कई बार लाइट बंद हो गया तो हम सैंपल नहीं ले पाए, बेल्ट बंद हो गया तो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इसका एक्चुअल वेट नहीं पता कर सकते, ठीक है। तो क्या करना है, इसको 2 से 3 बार इसको मिक्स करना है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर से हम लोग टीएम निकालेंगे, कोई भी नंबर से आप टीएम निकाल सकते हो, तो मैं जैसे 4 नंबर से टीएम निकाल दिया, तो 4 नंबर को मेरे को रिजेक्ट करना होगा, ठीक है, ये 4 नंबर मेरा रिजेक्ट हो गया। फिर से हम लोग क्या किए हैं, अच्छा इसका साइज क्या है, हमारा भी -50 mm का है, ठीक है, साइज को भूलना नहीं। सबसे पहला हमारा साइज क्या हो जाएगा, -50 mm, -50 mm को हम लोग क्या करेंगे, क्रश किए हैं, ठीक है, जो जाली से पास हुआ वो ठीक है, नहीं हुआ उसको क्या कर दिए हैं हम लोग, उसको क्रश किए हैं। क्रश करने के बाद हमारा पूरा सैंपल क्या हो गया, हमारे पास -50 mm का ही है, ठीक है। और ये चौथा भाग को हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड निकाल दिए टीएम के थ्रू, तो हमारे पास क्या बच गया, 3 पार्ट बचा है, 3 पार्ट को फिर से अच्छे से मिलाए हैं, अच्छे से मिलाने के बाद फिर से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग ये 3 को काट दिए, ठीक है, 1 और 3 को रिजेक्ट कर दिए, अब हमारे पास कितना बच गया, 1 और 2, ठीक है। ऐसे करते करते हमारे पास अप्रॉक्स 60 केजी आएगा सिंपल, 60 केजी को हमको फिर से क्या करना है, 12.5 mm में इसको क्रश करना है, क्रश करने के बाद फिर से 2 से 3 बार मिलाना है, और 2 से 3 बार मिलाने के बाद इसको 3.3 mm जाओ क्रशर में इसको फिर से क्रश करना है। जाओ क्रशर, क्रशर मतलब क्रश करने वाला होता है, साधारण भाषा में बोल दें तो कोई सब जानते हैं, धान कूटने वाला या आटा पीसने वाला चक्की जैसा रहता है, सेम वही है, ठीक है। इसका नाम अलग है, उसका थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अलग है, बाकी अगर आप उसको एज्यूम कर लो तो वही है, ठीक है। ये हो गया 3.35 mm, इसको 60 kg, ये है 60 kg को हमको क्या करना है, 2 kg तक फिर से लाना है, ठीक है, 3.35 mm को 2 kg तक लाना है, और 2 kg को हमको फिर से क्या करना है, 2 kg हमारा जो बचा इसको हमको पलवराइज करना है, पलवराइज करने के बाद फिर से इसको मिक्स करना है 2 से 3 बार, 2 से 3 बार मिक्स करने के बाद, ठीक है, इसको 4 पार्ट में फिर से डिवाइड करना है, सिंफर, ठीक है, और हो गया ACCL, और तीसरा हो गया पावर, और चौथा हो गया रेफरी, ठीक है, रेफरी। आपको ये देखो, ये हो गया हमारे पास पाउडर फार्म, यहाँ से मेन खेल चालू होता है, यहाँ से जीसीबी निकलता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जीसीबी बताऊंगा, ठीक है। जीसीबी से ही हमको मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी पूछा जाता है, इसे तो मशीन से पूछा जाता है, कोयले को कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेक वाला पूछ देंगे कि 360 kg को कितना भाग में काटते हैं, ये सब आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आप देखो ये अभी क्या
क्या करते हैं, सिंपल हमारा बम कैलोरीमीटर से जीसीबी निकालते हैं, जीसीबी से ही का है ग्रेड डिसाइड होता है। अगर ग्रेड डिसाइड इनको दोनों को संतुष्टि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमको क्या करना है, रेफरी से हमको रिजल्ट देना रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जेसीबी निकालते हैं मेन। तो इसके आगे मैं जेसीबी का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मर्ज करना बहुत मुश्किल है, बड़ा हो जाएगा और बड़ा वीडियो कोई पसंद नहीं करते। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जेसीबी का वीडियो बनाऊंगा। और ये क्या हो गया, 2 केजी को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बेल्ट का। एक बार फिर से बेल्ट का बता देता हूँ। बेल्ट का सबसे पहले क्या करना है, सिंपल करना है। सिंपल क्या करते हैं, यहाँ से जा रहा है कोयला। ठीक है, ये कोयला जा रहा है, कोयले से क्या करना है, अपन को सैंपल लेना है। सैंपल लेना है तो 24 घंटे में हमारे पास 24 सैंपल हो गया। एक सैंपल में 30 से 60 केजी, क्या है, कभी कभी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और कोयला थोड़ा सा कम आया। दूसरा बेल्ट का भी हो गया था लगभग, लेकिन बेल्ट को एक बार सरसरी तौर पर फिर रिविजन करवा देता हूँ। ठीक है, बेल्ट के क्या किए थे, बेल्ट को स्टार्ट किए थे, बेल्ट को स्टार्ट करने के बाद प्रिपरेशन सैंपल लिए थे। ठीक है, सैंपल अगर चलती रहता 24 घंटे में 24 सैंपल लेना है। ठीक है, 24 सैंपल को लिए और फिर इसको मिक्स कर दिए। ठीक है, 2 से 3 बार मिक्स किए और 50 सेंटीमीटर 50 mm का उसको जाली में उसको पास किए, पास किए। ठीक है, जिस पास किए तो जो हो गया पास तो ठीक है, नहीं हुआ उसको जाली से बाहर कर दिए और उसको क्रश कर दिए। ठीक है, और क्रश करने के बाद पूरा, अब क्रश करने के बाद पूरा हो गया हमारे पास -50 mm। -50 mm को हम लोग क्या कर दिए, 2 से 3 बार मिला है, और एक पार्ट को, कोई भी पार्ट रहे, एक पार्ट को हम लोग उसको टीएम के लिए निकाल दिए। और टीएम कितना केजी लिए हैं, 2 से 5 केजी। ठीक है, 2 से 5 केजी लेने के बाद उस पार्ट से, जिस पार्ट से अपन टीएम लिए हैं उसको काट दिए। ठीक है, रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करने के बाद हम लोग फिर से 2 से 3 बार मिला है, ऐसा प्रोसेस करते करते। ठीक है, क्या करना है, इसको फिर से जो पार्ट से लिए हैं, जैसे ये 4 से लिए हैं तो अपन को 4 वाला पार्ट को छोड़ देना है, अपन को 1 और 3 को काटना है। ठीक है, ऐसा करते करते अपन क्या करना है, 60 केजी तक रखना है। 60 केजी तक रखे, उसके बाद 12.5 mm करना है। 12.5 mm करने के बाद उसको 3.35, मतलब 3.3 mm उसको करना है। ठीक है, उसको कितना केजी है वो, 60 केजी। 60 केजी को क्या करना है, अपन फिर 2 केजी लाना है। 2 केजी के बाद उसको पल्वराइज करना है। पल्वराइज करने के बाद अपन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या करना है, हमारा सिंपल हो जाएगा, ACCL पावर रेफिल इसका हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 4 पार्ट। ठीक है, अब ये हमारा क्या था, बेल्ट का। अब दूसरा आपको बता देते हैं साइलो का। ठीक है, साइलो एक कुआं जैसा है, एक बड़ा सा क्या बोलते थे हैं, कोयले का भंडारण वाला। ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये इसमें पूरा कोयला भरा रहता है, बेल्ट के थ्रू इसमें कोयला आता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें कोयला भरा रहता है, और यहाँ, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये कोयला लोड होता है, यहाँ से रेग जाता है, रेग। ठीक है, उसका अपन को सैंपलिंग करना रहता है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, साइलो। ठीक है, ये हो जाता है साइलो। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में कोरबा, दीपका, कुसमुंडा 3 जगह पाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइलो, एक बहुत बड़ा कुआं जैसा दिखता है। ठीक है, इसका क्षमता अलग अलग रहता है। ठीक है, कभी किसी का 20,000 टन का रहता है, किसी का 40,000 टन का रहता है, तो ये हमको मतलब नहीं है इससे। ठीक है, ये क्या हो गया, इससे अपन को पहले सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, सैंपल कलेक्ट करना है, तो इसमें जनरली इसका कितने डब्बा कराता है, 35 वेगन कराता है या 45 वेगन का, तो हमको एक रेक में, ठीक है, साइलो का एक रेक में हमको मिनिमम 45 रहता है, तो 5 60 रहता है, तो हमको 6 सिंपल कलेक्ट करना है। जनरली क्या होता है, हमारे पास 5 5 ही वाला आता है ज़्यादा। ठीक है, तो 5 सिंपल इसको कलेक्ट किए, 5 सिंपल को फिर से इसको तुरंत किए ना। ठीक है, तुरंत क्या किए हैं अपन, इसको आए और इसको क्रश कर दिए। जैसे सिंपल मतलब उसमें एक रेक का होता है, इसमें एक रेक का नहीं होता है, इसमें 24 घंटे का होता है। ठीक है, 24 घंटे के आपको बता रहे हैं कैसे होता है। 5 सिंपल लिए, 5 सिंपल को लाए, इसको हम अपन क्या कर दिए, 50 mm का जाली में पास करवा दिए। जो पास हुआ ठीक है, नहीं पास हुआ उसको 50 mm, -50 mm के क्रशर में, ठीक है, जाओ क्रशर में क्रश करवा देते हैं। फिर 50 mm हो गया, फिर इसको क्या करते हैं, इसको क्रश कर दिए और फिर इसको मिक्स कर दिए। ठीक है, यहाँ से टीएम निकाले हैं एक पार्ट से,
एक पार्ट से टीएम निकाले हैं और जिस पार्ट से टीएम निकाले उसको रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करने के बाद हमारे पास ये कितना बच गया है, रिजेक्ट करते करते हर बार अल्टरनेट रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करते करते हमारे पास 60 kg बच गया। ये 60 kg को अपन एक बोरी में भर के रख देते हैं सील लगा के, ठीक है। ये 60 kg हमारे पास सिंपल है। ऐसे करते करते 24 घंटा में मान लो 24 रेक आता है, ठीक है। 24 रेक अपन सिंपल करते हैं तो हमारे पास 24 तो क्या हो गया, 60 60 kg का हमारे पास क्रश करने के बाद इतना। ये इसका साइज क्या है हमारे पास अभी, इसका साइज हमारे पास 50 mm, -50 mm, ठीक है। इसको क्या कर दिए हम लोग, क्रश किए हैं। क्रश करने के बाद 60 kg तक रखे हैं इसको, 12 फाइन फाइन नहीं किए हैं, ठीक है। इसको अभी आगे और बता रहे हैं तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 60 kg का हमारे पास कितना हो गया, 24 बोरी हो गया। 24 बोरी सिंपल हो गया। मान लो 24 घंटे में हमारे पास 24 रेक लगता है तो हम लोग 60 kg 60 kg का रखे हैं ना, इसका साइज क्या कर दिए हैं, -50 mm। देखो हमारे पास एक एक रेक का कितना होता है, 5 बोरी। 5 बोरी को हम लोग काट फिट के कितना बना दिए, 1 बोरी, ठीक है। तो हमारे पास ये 60, अब सब 1 बोरी का कितना केजी हो गया, 60 kg, ठीक है। और कितना हमारे पास 24 रेक, एक दिन में 24 रेक लगा तो हमारे पास सिंपल कितना हो गया, 24 बोरी, ठीक है। 24 बैग बोल सकते हैं। अब इसको अपन फिर से मिक्स किए हैं, ठीक है। हमारे पास और टीएम भी 24 हो गया, ठीक है। टोटल मॉइस्चर के लिए हमारे पास टीएम सिंपल कितना हो गया, ये भी 24 है, याद रखना, ठीक है। जितना बार हम लोग सिंपल लिए हैं उतना बार एक एक तो हम लोग क्या किए हैं, टीएम लिए हैं, ठीक है। इसको हम बन इसको क्या कर दिए, अब वह फिर 2 से 3 बार मिक्स कर दिए। इसका साइज याद रखना -50 mm है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा लगा है वीडियो, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड अलग है, थ्योरी है, ठीक है। अगर जाओगे प्रैक्टिकल है, अगर आप वहाँ पे जाओगे होते रहेगा, आपको एकदम इजी लगेगा, कोई कठिन नहीं है। थोड़ा सा पहली बार आप पढ़ रहे हो या थोड़ा सा देख रहे हो तो लग रहा है, बाकी बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये सब चीज़ अपनी आंखों से देखोगे तो एक मज़ा आता है, इमेजिंग होता है, ठीक है, कि ये सब कैसे हो रहा है करके। अभी मैं बता रहा हूँ आपको शायद समझ ना आ रहा हो, वीडियो को फिर से दोबारा देखोगे तो आपको शायद समझ आ जाए, ठीक है। ये हमको क्या कर दिया, 60 kg था, 60 kg क्या है हमारे पास 50 mm का था। इसको हम लोग फिर से 2 से 3 बार डिवाइड कर दिए, मिक्स कर दिए और ये हमारे पास क्या हो गया, मिक्स। अब इसमें हमको टीएम नहीं निकालना है, टीएम इससे पहले हम लोग निकाल चुके हैं तो इसको डायरेक्ट रिजेक्ट करते जाना है, ठीक है। पहले 1 और 3 को किए, फिर 2 से 3 बार मिक्स किए और फिर 2 और 4 को कर दिए। फिर ऐसा करते करते हमको क्या करना है, केवल 60 kg लाना है। 24 बैग में हमको 23 बैग को रिजेक्ट कर देना है और ऐसी नहीं करना है, मिक्स कर करके, मिक्स कर करके अपन क्या कर दिए, 23 बैग को रिजेक्ट कर दिए। हमारे पास अब कितना बच गया है, टोटल हमारे पास 1 बैग और 60 kg है, वही 1 बैग मतलब 60 kg। हमारे पास 24 रेक निकल गया, 24 रेक से अब हमको मतलब नहीं है, अब हमको मतलब है केवल 60 kg से, ठीक है। जो 24 घंटे से आया वो 24 घंटे का हमारे पास जितना रेक था, जितना हमारे पास सिंपल था, वो सिंपल को मिक्स कर करके रिजेक्ट करके हमको कितना ला दिए, केवल 60 kg का। इस 60 kg को फिर से अपन क्या कर दिए, 12.5 mm, ठीक है, 12.5 mm क्रश कर दिए। फिर 2 से 3 बार मिला दिए, 2 से 3 बार मिलाने के बाद क्या कर दिए, इसको रिजेक्ट नहीं किए हैं, इसको फिर से 3.35 mm क्रशर में क्रश कर दिए। और ये 60 kg को फिर से रिजेक्ट करते करते अपन क्या कर दिए, 2 kg में ले आए हैं और 2 kg को फिर से पल्वराइज किए। पल्वराइज करने के बाद फिर से वही प्रोसेस, 4 पार्ट में इसको फिर डिवाइड कर दिए। तो फाइनली जो प्रिपेयर है वो सब एक ही मेथड है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, जैसे जैसे 24 रेक साइलो से गया, 24 रेक को आते ही तुरंत क्या कर दिए, उसको रिड्यूस करके 1 बोरी बना दिए, 5 बोरी को 1 बोरी। फिर ऐसे करते करते 24 घंटा हुआ, 24 घंटा में हमारे पास कितना हो गया, 24 बोरी। और 24 बोरी को फिर से हम लोग रिड्यूस एक साथ किए हैं, ठीक है। इसको करते करते 23 बोरी को रिजेक्ट कर दिए, केवल बच गए हमारे पास 1 बोरी, उसको 12.5 किए, 12.5 के बाद 3.5 कर दिए, फिर इसको 2 kg दिए, ठीक है। 2 kg लाए, 2 kg को पलवराइज कर दिए। अब फिर सेम टीएम बचा है, टीएम को 24 जो टीएम है उसको एक साथ कर दिए, ये सबको मिलाए 2 से 3 बार और फिर एक जगह से अपन टीएम ले लिए, बाकी को रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। ये 24 टीएम को एक साथ रखे, 24 टीएम को 2 से 3 बार मिलाए, फिर एक भाग से, किसी भी भाग से उसको TM 2 से 5 kg ले लिए, फिर बाकी को रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास आता है एक चौथा ट्रक सैंपलिंग का प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है।
ट्रक का, ठीक है। ट्रक सैंपलिंग पहले करते हैं, ट्रक सैंपलिंग करने के बाद हमको क्या करना होता है, इसको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। ट्रक सैंपलिंग में क्या करते हैं, 8 ट्रक जाता है, जब 8 ट्रक यहाँ रास्ते से गुजर गया उसमें से एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल का साइज क्या होता है, केजी कितना होता है, 30 केजी, ठीक है। सब चीज़ अप्रॉक्स में होता है। ऐसा करते करते हम 24 घंटा में जितना भी ट्रक निकला, जैसे इसका डीओ नंबर होता है, डिस्पैच ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है, डीओ नंबर, अगर एक इसका डीओ नंबर एक है, एक एक नंबर का जितना भी निकला उस 24 घंटा में उसको प्रिपेयर करना होता है। जैसे साइलो का अपन किए थे वैसे ही रोड सेल का है, ठीक है। रोड सेल से क्या है, रोड के थ्रू ही जाता है ट्रक, उसको रोड सेल बोलते हैं, ठीक है। ये 24 घंटा में जितना हमारा सैंपल हुआ, इसको क्या करना है, अपन को एक साथ अब बनाना है। जैसे साइलो का हर बार एक एक करके बनाते थे, वैसा नहीं, इसको 24 घंटे तक इसको कलेक्ट करना है, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, इसको फिर वही प्रोसेस क्या करना है, इसको इसका साइज अलग अलग जैसे होता है, -100, -250, तो इसको जैसे -250 है तो जाके ये 50 mm में फिर से क्रश करवाए, हर पूरा -250 है तो हर पूरा सैंपल -250 में होगा, उससे छोटा होगा, जो छोटा है वो नीचे बैठ गया, ऊपर है उसको -50 में क्रश कर दिए, -50 में क्रश करने के बाद ये पूरा क्या हो गया साइज, -50 mm, ठीक है। इसको फिर से वही पार्ट हमारा, अब बताया ना, ऐसा 4 बार प्रोसेस है हमारे पास, पूरा आपको समझ आते जाएगा। एक पार्ट से क्या किए, इसको 2 से 3 बार मिक्स किए, फिर एक पार्ट से टीम ले लिए, हमारे पास बच गया कितना, 3 भाग, 3 भाग में इसको रिजेक्ट कर दिया ना, अब फिर से हमारा 2 से 3 बार मिक्स किए, 1 2 3 4, अब 2 4 को काट दिए, फिर 1 2 3 को काट दिए, ऐसा करते करते हमारे पास कितना बच गया, टोटल 60 kg सिंपल। उधर कितना है आप भूल जाओ, अपन को लाना है 60 kg तक। 60 kg होने के बाद, ठीक है, 60 kg होने के बाद इसको क्या करना है, 12.5 करना है क्रस, और फिर इसको क्या करना है, 3.35 करना है। आप इसको 3.35 कितना है हमारे पास, 60 kg, 60 kg को क्या करना है अपन को, काटते काटते रिजेक्ट करना है ना, फिर से रिजेक्ट करना है, ये 2 kg लाना है, 2 kg को फिर से पलवराइज करना है, पलवराइज करने के बाद ये पाउडर फार्म में आ गया, 2 kg पाउडर फार्म में आ गया, ठीक है। 212 माइक्रोन इसका साइज क्या है, 212 माइक्रोन, बार बार बता रहा हूँ, 212 माइक्रोन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको 4 भाग में फिर से डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4, पहला हो गया सिंफर का, ठीक है, दूसरा हो गया ACCL का, और तीसरा हो गया बावर का, और चौथा हो गया रेफरी का, ठीक है। ये हमारा जितना सारा सैंपल इतना लिए थे, बच गया हमारे पास, बताओ एक कितना बच गया, एक के पक्ष में गया 500 ग्राम, ठीक है। हम लिए जैसे 360 लिए, 200 लिए, 500 kg लिए, जितना भी केजी लिए हमारे पास कितना बचा है, लास्ट में 500 ग्राम सैंपल बचा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सैंपल प्रिपेयर का, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे जेसीबी का, क्योंकि ये सब चीज़ किसके लिए हो रहा है, जेसीबी के लिए ही हो रहा है, जेसीबी के थ्रू ही ग्रेड आता है, ठीक है। तो हम एक सरसरी तौर पे क्या क्या किए हैं एक बार बता देते हैं, ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। सबसे पहले रेक का देखे थे, ठीक है, रेक का सिंपल में क्या देखे थे, एक रेक गया, ठीक है, उसमें 6 सिंपल लिए, 6 सिंपल बराबर होता है 360 kg, ठीक है। 360 kg को क्या किए हैं अपन, -50 mm में क्रॉस किए हैं, ठीक है, गुजारे हैं, जो गुजर नीचे हो गया मतलब -50 है, जो नहीं हुआ वो बड़ा साइज है 50 mm से, उसको जाओ क्रशर में क्या कर दिए, उसको क्रश कर दिए। क्रश करने के बाद क्या किए हैं, उसको क्रश करने के बाद वो भी हो गया, क्रश कर दिए तो मतलब छोटा साइज हो गया, तो उसको जितना हुआ मतलब 360 kg हमारे पास -50 हो गया, उसको एक भाग को टीएम लिए हैं, टीएम लेने के बाद उस भाग को रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ देखो टीएम लिए, टीएम लेने के बाद इस भाग को रिजेक्ट कर दिए, तो हमारे पास बच गया 3 भाग, 3 भाग को फिर से प्रॉपरली मिक्स किए, प्रॉपरली मिक्स करने के बाद उसको फिर से काट दिए, जो हम लोग भाग से टीएम लिए हैं उसके अपोजिट भाग से, ठीक है। अपोजिट भाग मतलब जैसे 1 से लिए हैं तो 2 और 4 से कटेगा, ठीक है, फिर 1 और 3 से कटेगा, ऐसे करते करते अपन को 60 kg तक सिंपल को लाना है। 60 kg के बाद क्या किए हैं, 12.5 mm में क्रशर होता है, ठीक है, क्रशर का अलग अलग साइज होता है, तो क्रशर कर दिए, ठीक है। इसको काटना नहीं है, इसको डायरेक्ट 3.35 में कर दिए, इसको डायरेक्ट हम 3.35 में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका साइज जो क्रशर का साइज बना है वही उसी के लिए सुटेबल है, ठीक है। तो क्या कर दिए, 3.35 कर दिए, फिर उसको क्या कर दिए, काटे हैं, काट के कितना कर दिए हैं अपन लोग, 2 kg, ठीक है। 2 kg को क्या करना है अपन को, 2 kg को पलवराइज करके पाउडर फॉर्म में लाना है, जिसका साइज होता है 212 माइक्रोन, ठीक है। 212 माइक्रोन को अपन फिर 2 से 3 बार मिक्स करके अपन को 4 भाग में डिवाइड करना है, 4 भाग में हमारा ये है, ठीक है, 4 भाग में डिवाइड कर दिए,
फिर हम एम्पायर वाला बात बताए थे, ठीक है। क्रिकेट आप सब देखे होंगे, अब ये पूरा मुख्य काम किसका है, सिंफर का है, ठीक है। सिंफर ग्रेड देगा, ग्रेड में अगर कोई असंतुष्ट होता है ACCL या पावर, तो अपन रेफरी यूज करते हैं। जैसे क्रिकेट में किसी बल्लेबाज को कोई आउट दे दिया, बल्लेबाज क्या है असंतुष्ट है, तो थर्ड एम्पायर लेता है। थर्ड एम्पायर जो दे दिया आउट है तो आउट, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर पावर बोल दिया मेरे को ग्रेड पसंद नहीं आ रहा है, तो वो रेफरी यूज करेगा। रेफरी यूज करेगा तो रेफरी में जो आएगा हमारे पास ग्रेड, उस ग्रेड को दोनों को मानना पड़ेगा। ये होता है हमारा प्रिपेयर, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे GCV कैसे निकालते हैं। GCV ही मेन रहता है, ठीक है। कहीं भी आप इंटरव्यू दिलाने जाओगे, कहीं भी आप कहीं जाओ, तो ये पावर पार्टी या पावर प्लांट या कोल से रिलेटेड कहीं भी, ठीक है। इवन आप कोई भी सैंपल आप लेंगे, सैंपल लेने के बाद क्या करना है प्रिपेयर, ये सब ऐसे ही होता है, ठीक है। आपको समझ शायद ना आया हो, इसलिए वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।